हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग बात करेंगे लेवल 2 स्कैन के बारे में, जिसका दूसरा नाम एनोमली स्कैन भी है या टीफा स्कैन भी है। इसे जनरली 18 हफ्ते से लेकर के 22 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। 18 हफ्ता इसलिए क्योंकि उस टाइम तक जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं बच्चे के वो पूरे बन जाते हैं, और 22 वीक्स के अराउंड इसलिए क्योंकि जो हमारे यहाँ इंडिया में 24 वीक्स तक अबॉर्शन जो है वो लीगल है, तो अगर बच्चे में कोई एनोमली आए तो वो लीगल पीरियड्स में आ जाता है। दूसरा बात ये है कि इस जांच को किनको किनको कराना चाहिए, तो तरीके से ये जांच हर प्रेग्नेंट फीमेल को कराना चाहिए, लेकिन खास तौर पर उन फीमेल्स को जो आइदर डायबिटिक हो या जिनको टॉर्च का इन्फेक्शन पहले से हुआ हो, या फिर जिसको मतलब पहले से किसी फैमिली हिस्ट्री है कि हाँ पहले भी इनका बच्चा खराब हुआ हो, या फिर अगर ऐसा हिस्ट्री है कि उनकी पिछली प्रेगनेंसी में अगर कोई एनोमली हुआ हो, तो इन सब केसेस में उसको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लेवल 2 स्कैन होता है उसमें क्या क्या पता चलता है, तो समझिए कि हेड से टो तक सारा चीज़ पता चल जाता है, बच्चे का ब्रेन के बारे में, स्कल के बारे में, उसको कहीं कोई क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट मतलब होंठ जो कटा रहता है, तालू जो कटा रहता है, इसके अलावा कोई बहुत सारे बच्चे को गले में सिस्टिक हाइग्रोमा मतलब स्वेलिंग रहती है उसके बारे में पता चल जाता है, बहुत बार कॉन्जेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया यानी कि जो आंत होता है वो फेफड़े में आ जाता है, या फिर गट का पार्ट बाहर होता है जिसे को गैस्ट्रोकेसिस या फिर ओम्फैलोसील बोलते हैं उन केसेस में, या फिर बहुत बार बच्चे को कॉन्जेनाइटल यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है मतलब पेशाब का रास्ता में कोई दिक्कत रहता है, या फिर जनरलाइज्ड पूरे शरीर में पानी भरा रहता है जिसको हम लोग हाइड्रॉप्स बोलते, जैसे कि स्कल की एनोमली या ब्रेन की एनोमली में एक रहता है एनेन्केफेली मतलब जिसमें बच्चे का जो है वो सर ठीक से डेवलप नहीं होता है, उस केस में बच्चा बाद में सर्वाइव नहीं करता है। इसके अलावा जैसे कि एक पीठ का घाव होता है जिसको हम लोग स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं, तो वो भी एक खतरनाक बीमारी है जिसमें क्या होता है ना कि बच्चे का मतलब पैर का हो सकता है कंट्रोल नहीं रहे, ब्लैडर बॉवल यानी कि बच्चा के पेशाब करने का, पैखाना करने का उसको कोई कंट्रोल नहीं रहे, ये सब बीमारी के बारे में हम लोग को अर्ली ही पता चल जाएगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जो इसमें पता चल जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो इसमें नहीं भी पता चलती, क्योंकि कि हो सकता है वो मतलब कॉन्जेनाइट मतलब एनोमली एनाटॉमिकल नहीं हो, मतलब वो किसी हार्मोन की कमी की वजह से हो जो धीरे धीरे बाद में डेवलप करे, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज है जो बहुत छोटा होता है तो उसमें नहीं पता चल पाता, ग्रेजुअली वो चीज बढ़ता है। इसके अलावा जो लेवल 2 स्कैन होता है उसके साथ साथ बोला जाता है कि इको भी करा लेने, जो कि अराउंड 22 से 24 वीक्स के बीच में होता है, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चे की जो दिल है मतलब चारों चेंबर दिल का ठीक से बना है कि नहीं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि दो वेसल्स मतलब दो जो नसें हैं जिसको बोलते हैं वो एक दूसरे में जुटा हुआ है, या हार्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी पता चल जाता है। तो अगर इस दौरान अगर इस जांच को करा लिया जाए, और वो खास करके आप किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से ये कराएं जो अच्छे से इस चीज़ को मतलब देख पाएं, अप्रिशिएट कर पाएं, तो क्या होगा कि इन ऐसी कुछ सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बाद में सर्जरी के द्वारा ठीक हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बाद में उसका कोई ऑपरेशन से या दवा से उसका इलाज नहीं है, तो उन केसेस में जो बच्चे हैं वो अपाहिज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उनका लाइफ स्पैन ही ज़्यादा नहीं हो, तो बेटर है कि उनको अबॉर्ट कर दिया जाए, क्योंकि बाद जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसका क्या होता है माँ से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, फैमिली से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो बेटर है कि अगर वो सर्वाइव करने लायक नहीं है तो उसको 5 मंथ तक उसको अबॉर्ट कराया जा सकता है। तो इसलिए लेवल 2 स्कैन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आप इस जांच को करवाएं, और आप अपना मतलब बच्चे में जो विकृति होने वाली है उसके बारे में आपको पहले से पता रहेगा, तो हो सकता है आप जैसे बच्चा पैदा हुआ और उसी टाइम उसको रिसस्टिकेशन की ज़रूरत है, इंट्यूबेशन की ज़रूरत है, या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको ये चीज़ पता रहे कि हाँ मतलब मेरे बच्चे में ये दिक्कत है, और जब डिलीवरी होगा तो उसको ऐसे मैनेजमेंट चाहिए, तो आप ऐसे सेंटर पर जाके डिलीवरी कराएं। बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है घर में फीमेल मतलब डिलीवर कर जाती है, या फिर किसी ऐसे जगह पे जहां पे किसी चीज की सुविधा नहीं है, तो वो बच्चा जो कि बच सकता था मतलब अर्ली रिसस्टिकेशन से जो बच्चा बच सकता था, उस बच्चा का रिसस्टिकेशन नहीं होने की वजह से वो बच्चा मर जाता है। तो इसलिए लेवल 2 स्कैन बहुत जरूरी है। हाँ, ये थोड़ी सी महंगी जांच है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा महंगा जांच करवा लेंगे तो हो सकता है बाद में आप लाखों करोड़ों खर्चा होने से बचा लें, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और मैं
मैं सारी प्रेग्नेंट फीमेल से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप अपना लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं, और अगर जो नहीं जान रहे उनको ये वीडियो आप दिखाएं, और आप इसको एक दूसरे लोगों में इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ा के ये चीज करें कि हाँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर का बात लोग समझते हैं सुनते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए लेवल 2 स्कैन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।